सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ अपने नाना का गार्डन, और बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारी ट्रीज़ हैं और मेरी कुछ फेवरेट्स भी हैं, आप लोग आगे जाके देखोगे। तो चलो आप लोग इस वीडियो को फुल इन्जॉय करना। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये है मैरीगोल्ड का प्लांट और ये पूरे बॉर्डर लाइन पे है, आपको हर जगह दिखेगा मैरीगोल्ड। और ये है एक पपाया का ट्री जिसमें अभी पपाया बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे मैंने बोला था पूरे बॉर्डरिंग पे आप देखोगे मैरीगोल्ड का प्लांट। और ये है लेमन ट्री और जिसमें लेमन आता है अभी बहुत छोटा छोटा है, अभी जब बारिश हो जाएगी ना तब ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, तो ये देख सकते हो। और मैं तार के उस तरफ नहीं जा सकती क्योंकि अभी कल रात में ना बारिश हुई थी तो वहाँ पे बहुत सारे कीड़े हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको पास पास से नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको पास से भी दिखा देती। और ये सब देख सकते हैं मैरीगोल्ड का पेड़ है, प्लांट। और यहाँ पे है हमारा मैंगो ट्री और ये स्पेशली मेरी नानी ने लगवाया है फॉर अचार, क्योंकि ये थोड़े छोटे छोटे हुए हैं और इनसे सिर्फ अचार ही बनता है, मतलब वैसे खा भी सकते हैं हम लोग इन्हें, पका मतलब पक जाएगा तब खा सकते हैं। वैसे ये मेरी नानी इन सारे आम का अचार बनाती हैं और देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, और देख सकते हो कितने छोटे छोटे से हैं ये देखिए, और बहुत सारे हैं अंदर तो बहुत सारे गिरे हुए हैं, देख सकते हो हर जगह लटक रहे हैं सारे मैंगोस, और जब बारिश या हवा चलती है ना सारे गिरने लगते हैं और फिर मेरे नाना जाके लेते हैं। और ये सब है मैरीगोल्ड और बहुत थोड़े बहुत जो घास फूस होते हैं वो सब। और यहाँ पे ये देखो मैं आपको मैंगोस दिखा रही हूँ क्योंकि मैंगोस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग को भी पसंद होगा है ना मैरीगोल्ड। और इसमें आए नहीं है अभी फूल, बट यहाँ पे है वाइट रोज़, तो मुझे वाइट रोज़ ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एक ही रोज़ है पर बहुत सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे नाना लगाएंगे जो पालक साग जो भी सब्जियाँ लगाते हैं मेरे नाना, हर साल लगा देते हैं बट अभी लगाया नहीं है मेरे नाना ने, अभी लगा देंगे वो। ये देख सकते हो पूरा बॉर्डरिंग से लेके यहाँ तक पूरा है, और ये सब मेरे घर के एकदम सामने है। और ये सब ना जब हम लोग बाहर ऐसे निकल के बैठते हैं ना सामने एकदम ग्रीनरी दिखती है। और यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे से आए हैं पपाया, और ये रोज़ के प्लांट, रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये पिंक रोज़ है और थोड़े से झड़ भी गए हैं, थोड़े हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसमें कांटे भी होते हैं जो बहुत हाथ में चुभते हैं, अगर तोड़ूंगी तो चुभेंगे, ऐसे तोड़ना चुभ जाएंगे। और ये है पपाया का ट्री, मतलब मेरे यहाँ बहुत सारे पपाया के ट्री हैं, अभी तो थोड़े कम हो गए हैं, कुछ नाना ने ना कटवा दिए। और ये भी है एक पपाया का ट्री, यहाँ पे देख सकते हो कितने छोटे छोटे से हैं, और एक ये नीचे इतना बड़ा सा है। और ये है मैंगो ट्री जहाँ पे मेरा वो सब था सामने एकदम, और ये थोड़ा सा पीछे है, और ये उससे भी बड़ा मैंगो ट्री है और इसमें ना बहुत बड़े बड़े मैंगोज़ हैं, ये तो कुछ भी नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ, वो नीचे भी थे और ये सब देख सकते हैं इतने बड़े बड़े मैंगो। ये सब हम लोग जब थोड़ा अगर 2-3 महीना रुकते तब मैं आपको दिखाती, पूरे पक जाते हैं और बहुत मीठे लगते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये गवावा का ट्री है, बट यहाँ पे सबसे पहले आम, और हर जगह यहाँ पे हर जगह आम लटके हुए हैं, ये देखिए इतने बड़े बड़े। और फ्रेंड्स, मैंगो की बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनती है और वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे मैंगो शेक, मैंगो की आइसक्रीम, मैंगो का कस्टर्ड, बहुत कुछ बनता है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताऊंगी कि क्या क्या बनता है, मतलब मैं जब लखनऊ चले जाऊंगी तब मैं आपको इसकी रेसिपीज़ भी बना के दिखाऊंगी। और वहाँ पे मेरे नाना टहल रहे हैं, तो इतना बड़ा ट्री है फ्रेंड्स मेरे यहाँ, आप लोग सोच नहीं सकते। और ये सब एकदम पूरे खाली प्लेस पर है, मेरे नाना ने पूरी जगह का एकदम अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। और यहाँ पे है गवावा का ट्री, और जिसमें इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ है मैं आपको बताऊँ, इसमें जो गवावा निकलते हैं ना, एक तो वो सबसे पहले बड़े बड़े निकलते हैं और साथ में इनका जो जब हम लोग खाते हैं अंदर से वाइट होते हैं ना, पर इसमें लाल होते हैं फ्रेंड्स, और लाल गवावा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये एकदम अलग ही होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे अभी तक मैंने सिर्फ 1-2 ही बार खाया है पर अच्छे लगते हैं। अभी इसमें छोटे छोटे एकदम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जैसे ये वाला एकदम छोटू सा है।
सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे नाना के यहाँ इतने सारी ट्रीज़ हैं, नींबू, आम और गवावा, पपीता, तो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।